ना पक्ष की ना विपक्ष की, हम बात करेंगे सिर्फ सच की। नमस्कार दर्शकों, मैं नाजमा आबदी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 30 एक्सप्रेस। जैसा कि बहुत ही कम समय में हमारे चैनल को आप लोगों के द्वारा बहुत ही स्नेह मिल रहा है और हमारे चैनल के द्वारा जो खबरें दिखाई जा रही हैं और आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा और खबरें आप तक पहुंचाई जाए, तो आप हमारे चैनल से जुड़ें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और हाँ, साथ में बेल आइकन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं इस वक्त की खबर की ओर। भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष निहिल सिंघई के प्रथम जिला आगमन पर जगह जगह युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा फूलमाला पहनाकर जिलाध्यक्ष का भव्य स्वागत किया गया। जिलाध्यक्ष के प्रथम आगमन पर सबसे पहले नेशनल हाईवे पर पूंछ में मुस्कान ढाबा, ग्राम सिकंदरा, समथर के बाद मोट कस्बे के डाकखाने चौराहे पर कपिल मुदगिल और उनकी टीम द्वारा। इसके साथ ही मोट कस्बे में ही चौहान गैस एजेंसी पर भी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। वहीं भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष निहिल सिंघई से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मुझे भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। जैसे कि प्रदेश सरकार का नारा है कि इस बार 350 प्लस सीटों के साथ भाजपा पूर्ण बहुमत से जीतेगी, जिसके लिए हम सभी युवा तन मन धन से क्षेत्र में काम करेंगे और जो 350 प्लस सीटों का वादा प्रदेश की सरकार कर रही है उसको दावे में बदल कर दिखाएंगे। हमारा काम जो है भारतीय जनता पार्टी से पूरे झांसी जिले में युवाओं को जोड़ना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य 2022 है। हमें फिर से जो है जो हम लोग नारा दिया है पार्टी ने 350 प्लस का, उसको हमें पूरा करना है। झांसी जिले में मेरे कार्य क्षेत्र में दो सीटें आती हैं, मऊरानीपुर और गरौठा, यहाँ मुझे काम करना है। पूरी ताकत लगाऊंगा, युवाओं को जोड़ने के लिए काम करूंगा। युवाओं का कैसा समर्थन मिल रहा है? जैसा कि आप खुद देख रहे हैं कैसा समर्थन मिल रहा है, जिस तरीके से उत्साह युवाओं में दिख रहा है, उससे मुझे लग रहा है कि पुनः उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से 350 प्लस का जो लक्ष्य है पूरा करेगी भारतीय जनता पार्टी। ये धुआं, ये मेहनत, ये परेशानियां, महिलाओं को मिले सम्मान, इसलिए हम लाए हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। हर रसोई में हो LPG, जिससे मिले समय और पैसों की बचत और बेहतर स्वास्थ्य और सम्मान भी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का राष्ट्र को लोकार्पण होगा 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से। स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन।